अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम साफ रखा गया। इसका पूरा नाम साफ इब्ने सैयाद था, यानी सैयाद का बेटा। ये बच्चा एक अजीब व गरीब खसूसियत का मालिक था। ये बच्चा पैदाइशी काना था और मदीना में मशहूर हो गया था कि ये दिलों के हाल भी जान लेता है। मदीना के लोगों को शक होने लगा था कि शायद ये बच्चा दज्जाल है, इसलिए एक दिन एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बच्चे के बारे में बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साफ इब्ने सैयाद के पास जाने का फैसला किया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा और कुछ असहाब के साथ साफ इब्ने सैयाद की खोज में निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से जान लिया कि ये बच्चा एक दरख्त के साथ टेक लगाकर अपने मुंह पे चादर ओढ़े कुछ पढ़ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता छुप छुप कर आगे बढ़ने लगे ताकि ये शख्स आखिर पढ़ क्या रहा है वो जान सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते साफ इब्ने सैयाद के करीब पहुंच गए, लेकिन उसकी माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और एकदम आवाज लगाई और कहा कि ऐ साफ, तुम्हारे पीछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। तो साफ इब्ने सैयाद ने ऊपर देखा और एकदम उठा और गुस्सा करने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो साफ इब्ने सैयाद ने कहा, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आप अनपढ़ों के रसूल हैं। फिर साहब इब्ने सैयाद ने पूछा कि क्या आप गवाही देते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए और कहने लगे कि मैं अल्लाह और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाया, और कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या है? तो साहब इब्ने सैयाद ने कहा, दुख दुख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में उस शख्स को कहा कि तू मेरी नजरों से दूर हो जा, तू कभी भी अपनी बेसत से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ वापसी जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसकी मां नहीं बोलती तो आज मैं सुन लेता कि ये शख्स क्या पढ़ रहा था। सहाबा कराम रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आप सैयाद के लिए क्या लेकर गए थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसके लिए दुखान लफ्ज लेकर गया था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आप हुक्म दीजिए मैं इस शख्स की गर्दन उतार दूं, ये शख्स दज्जाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, अगर ये शख्स वही दज्जाल है तो तुम इसको नहीं मार सकते, इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही कत्ल कर सकते हैं। अगर ये वो दज्जाल नहीं हुआ तो तुम पर एक बेगुनाह के कत्ल करने का इल्जाम लग जाएगा। अब वक्त गुजरता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हो गया, लेकिन इब्ने सैयाद मुसलमान हो चुका था। एक बार मुसलमान हज करने मक्का जा रहे थे तो मुसलमान के काफिले ने एक जगह आराम के गढ़ से पड़ाव डाला तो एक सहाबी जिनका नाम अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा था, वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो वहाँ उनके पास इब्ने सैयाद भी आकर बैठ गया। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि ये इतनी सारी जगह पड़ी है, उधर जाकर बैठ जाओ। तो एकदम इब्ने सैयाद रोने लगा और कहने लगा कि सब लोग मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करते हैं और कहते हैं कि मैं दज्जाल हूँ, जबकि क्या तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि दज्जाल मुसलमान नहीं होगा लेकिन मैं मुसलमान हूँ, दज्जाल की शादी नहीं होगी लेकिन मेरी शादी हो गई है, दज्जाल के बच्चे ना होंगे लेकिन मेरे बच्चे भी हैं, और दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा लेकिन मैं तो दोनों जगह दाखिल हो चुका हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि करीब था मैं इसकी बातों में आ जाता, लेकिन फिर उसने ऐसी बातें करी कि मुझे इसके दज्जाल होने पर मजीद शक हो गया। साफ ने कहा कि मैं जानता हूँ दज्जाल इस वक्त कहाँ है और इसके माँ बाप कौन हैं, और अगर मुझ पर दज्जाल बनना पेश किया गया तो मैं खुशी खुशी दज्जाल बनना पसंद करूँगा। ये कहकर साफ इब्ने सैयाद हंसने लगा। मुबर्रखीन लिखते हैं कि साफ इब्ने सैयाद यजीद इब्ने माविया के दौर तक जिंदा था, लेकिन जब वाकया हर्रा हुआ तो ये साफ इब्ने सैयाद एकदम गायब हो गया और उसके बाद वो कभी भी किसी को नहीं मिल सका।
अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।